अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज मैं आपके लिए आलू कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये तकरीबन 3 पाव मैंने कीमा ले लिया है, 1 किलो से थोड़ा सा कम है। इसमें 2 से 3 टमाटर जाएंगे, दम पे हरा धनिया जाएगा, फिर सवा गरम मसाला, 2 प्याज हैं बड़ी बड़ी, उसको स्लाइस में कर लिया हमने, ये ज़ीरा, ब्लैक पेपर, काली मिर्चें और साबुत वाली, और इसमें जो है 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च, क्वार्टर टी स्पून ज़ीरा और क्वार्टर टी स्पून हल्दी और क्वार्टर टी स्पून नमक। बस इन थोड़े से मसालों में आलू कीमा तैयार होगा हमारा। और 3 से 4 आलू हैं जो मैं डालूंगी, फिर आपको काट के दिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मान रही हूँ पैन मैंने गरम करने के लिए रख लिया है, और ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ईवा के ऑयल के मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। जब मेरा ऑयल गरम हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। ये देखें, प्याज मेरी की वो ऑयल मेरा गरम हो गया है, तो मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिए। अब प्याज मेरी सॉफ्ट होगी, पिंक फॉर्म में आएगी, तो फिर मैं इसमें कीमा शामिल कर दूँगी अपना। जब तक ये सॉफ्ट हो रही है, ये प्याज हमारी सॉफ्ट हो रही है, उसमें मैंने 8 से 10 काली मिर्चें डाल दी हैं और 1/4 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया। बस अब पूरा हमें इसको ब्राउन नहीं करना, थोड़ी कच्ची पक्की होगी तो हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। ये देखें, प्याज हमारी तकरीबन गुलाबी हो चुकी है, अब हम इसमें कीमा शामिल कर रहे हैं अपना। कीमा जैसे ही हमारा कलर चेंज होगा तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक के पेस्ट के डाल दूँगी। देखें, कीमे का कलर चेंज हो गया, इसका कच्चापन ख़त्म हुआ है, तो मैंने ये वाले 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक के शामिल कर दिए हैं इसमें। ये देखें, लहसुन अदरक डाल के मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, इसका बिल्कुल एक्स्ट्रा जो कीमे का वाटर है वो निकल चुका है, और कीमे ने कलर चेंज कर दिया हमारा, और लहसुन अदरक में भी भुन चुका है। तो अब मैं ये सारे ड्राई मसाले शामिल कर रही हूँ इसमें, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और नमक। अब इसको फ्राई करूँगी, जब मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। जब तक ये फ्राई हो रहा है, तो ये देखें कीमा जो है सारे मसाले और ये सब भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया, तो अब इसमें टमाटर डाल रहे हैं। बस टमाटर का जो पानी छूटेगा इसी में ही जो है ये कीमा गल जाएगा, और फिर मैं जैसे ही टमाटर घुलेंगे तो इसमें आलू काट के डाल दूँगी। कवर कर रही हूँ जब तक हमारा कीमा भी गल जाएगा और टमाटर भी मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, हमारा कीमा तकरीबन गल गया और टमाटर भी हम सॉफ्ट कर रहे हैं, वो भी हमारे सॉफ्ट हो गए। तो अब मैं इसमें आधी प्याली जो है दही डाल रही हूँ, इसमें फेंट लिया है मैंने इसको। और दही हमेशा आपको बताऊँ कि चूल्हे पे से उतार के जो है फिर शामिल करा करें पतीली में, क्योंकि जो है पकते हुए अगर दही डालेंगे तो दही के छोटे छोटे जो है फुटकियाँ बन जाएंगी दही में, वो सालन में अच्छी नहीं लगती। तो बस अब मैंने ये फेंट लिया, अब मैं दही इसमें शामिल कर रही हूँ। हमने अच्छी तरह फ्लेम पे से उतार के इसको मिक्स कर लिया दही को, अब हम वापस से फ्लेम पे रख देते हैं इसको। बस अब थोड़ा सा दही मिक्स होगा कीमे में, तो मैं ये आलू जो मैंने काटे हैं क्यूब में वो इसमें शामिल कर दूँगी। तो ये देखें, इसमें मैंने आलू काट के डाल दिए सब, अब इसी में ही हमारा जो है टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और गल जाएंगे आलू भी, और कीमा भी जो कसर रहती है वो भी गल जाएगी। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी दम पे मैं अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया और गरम मसाला डालूंगी तो सवा। देखें, जब तक मैं कवर कर रही हूँ जब तक आलू हमारे गल रहे हैं। तो ये देखें,
आलू हमारे गल चुके हैं इसी में, और जो टमाटर थे वो भी सब घुल गए, और ऑयल मेरा सेपरेट हो गया, तो मैं बस थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, बस ज़रा सा, ताकि थोड़ा सा ग्रेवी अच्छी लगती है आलू कीमे में, हल्की सी बस। अब दम पे मैं इसमें अदरक, सॉरी हरी मिर्चें, हरा धनिया, और क्वार्टर टी स्पून जो है मैं गरम मसाला डालूंगी इसमें। बस आलू कीमा हमारा रेडी है, बहुत ही मज़े का बनता है ये। आपको डिश आउट करके इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। 5 मिनट के लिए मैं दम पे छोड़ूंगी और इसको कवर कर रही हूँ, उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें आलू कीमा मेरा रेडी है, मैंने डिश आउट करके इसका फाइनल लुक दिखाया है आपको। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से, दोस्तों में लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।